Welcome to our YouTube channel Sanra Advanced Education. Okay students, today we will study subject history class 8th chapter number 1st and the name of the chapter is How, When and Where. Kaise, Kab aur Kahan. Aaiye shuru karte hain. Chapter How important are dates? Tithiyan kitni mahatvapurn hoti hain? या हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स या तिथियां किस तरह से महत्वपूर्ण हैं. देयर वॉज अ टाइम वैन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विथ डेट्स. एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे. देयर वर हेटेड डेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड ऑन बैटल्स वर फोर्ट. कब किस राजा की ताजपोशी हुई और कौन सा युद्ध कब हुआ, इन तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थीं. इन द कॉमन सेंस नेशन हिस्ट्री वाज सिनोनिम्स विद डेट्स. आज समझ में आता है कि इतिहास से तारीखों का पर्याय माना जाता है. यू मे हैव हार्ड पीपल से, आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल बोरिंग लगती है. बिकॉज, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, इसमें तो केवल तारीखों को ही याद रखना पड़ता है. इट्स सच ए कंसेप्शन ट्रू, क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है. हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑक्यूर ओवर टाइम. इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थीं और उनमें क्या क्या बदलाव आए. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. और जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं और हम पहले और बाद में की गई बातें करने लगते हैं. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस. रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं. एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड इन हैबिटेट, और उनमें सॉरी As if what we see has always been in the world inhabited, but most of us have our moments and wonder. मानो जो कुछ भी हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा हो रहा है, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder. और जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं, किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते हुए देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं. यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफी, और हैरान हो सकते हैं जब आप चाय पीना या कॉफी पीना शुरू करते हैं. लुकिंग आउट ऑफ विंडो ऑफ अ ट्रेन, You may ask yourself when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways. रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठता है कि रेलवे का निर्माण कैसे हुआ. When were the railways built and how did people travel long distance before the age of railways? रेलवे का निर्माण कैसे हुआ
और रेलगाड़ी के आने जाने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते थे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गोट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर्स बिगिन टू बी प्रिंटेड। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए यह जानने के लिए आपके मन में उत्सुकता होती होगी कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। नेक्स्ट पैसेज। ऑल सच हिस्ट्रिकल क्वेश्चंस रिफर्स अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हम समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स और अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ अ मंथ। लेकिन समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही क्यों नहीं देखा जा सकता। समटाइम्स इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। पीपल इन इंडिया डू नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच एज दिस। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड और अ नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते और राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया यह सब बताना संभव नहीं है। ओके, ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। और इस तरह की सारी घटनाएं या ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। वी कैन ओनली रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम। और ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। ऐसे में एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं और जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। Why then do we continue to associate history with the starting of dates? तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह से ही। This association has reason. There was a time when history was an account of battles and big event. एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्योरे को ही इतिहास माना जाता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। यह इतिहास राजा महाराजाओं को और उनकी नीतियों के बारे में होता था। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर ए किंग वॉज क्राउनेड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड चाइल्ड एंड द ईयर ही फोट अ पार्टिकुलर वॉर, द ईयर ही डाइड एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन। और इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, किस काल और किस साल में उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ और कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मरा और उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और कौन सा राजा ने उस
आगे कौन राजा बना और किसने ताज पहना. फॉर इवेंट्स सच एज दिस स्पेसिफाइज डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड इन द हिस्ट्रीज सच एज दिस डिबेट्स अबाउट द डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट. इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है. एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट टू ईयर्स, जैसा कि पिछले दो साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज. इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं. एंड अदर क्वेश्चंस, दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, और वे इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाते थे. What they produced and at, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread and how culture and society changed. वे क्या पैदा करते हैं, क्या खाते हैं, शहर कैसे बने और बाजार कैसे फैले और किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और समाज संस्कृति किस तरह से बदले, वे इस बात पर भी ध्यान देते हैं. आगे चलते हैं. Which dates, कौन सी तारीखें. Next passage. By what criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है. हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती. दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज एन इम्पोर्टेंट. इसलिए वे महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं. इफ अवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस If we begin to look at a new issues, a new set of dates will appear significant. अगर अध्ययन का विषय बदल दिया जाए, अगर आप नए नए मुद्दों पर ध्यान लेने लगते हैं, महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं. Consider an example in the histories written by British historians in India, the role of each governor जर्नल वॉज इम्पोर्टेंट. उदाहरण के तौर पर भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है. दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट विक्ट्री लॉर्ड माउंटबेटन. In separate chapters we read about the deeds of others. और ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे. अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स वेलेजली हेस्टिंग्स वेरेजली बेंटिक डलहौजी कैनिंग लॉरेंस लिटन रिपन कर्जन हार्डिंग इरविन, इन सब के बारे में जानते हैं. It was seemingly never-ending succession of governor general and victorious. इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता है. All the dates in these history books were linked to these personalities.
और इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता है. टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स. उनकी जो एक्टिविटीज थे, क्रियाकलाप, उनकी पॉलिसीज, उनकी जो नीतियां थी, उनकी जो अचीवमेंट्स थी, उपलब्धियां थी, उनके ऊपर ये सारा सिलसिला चलता रहता है. इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स एंड द इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. यह ऐसे था मानो कि इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो. इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था. कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री. ओके, द वीडियो इज कंप्लीट नाउ. वी विल रीड मोर इन नेक्स्ट वीडियो.